अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे, और हमारे रास्ते में जो भी खूबसूरत चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये कोयल बट, और जो भी प्राकृतिक नज़ारा दिखेगा उनको मैं वीडियो के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और यहाँ पर इंडियन आर्मी तैयारी कर रहे हैं विष्णु मेरे साथ पीछे पीछे। इस घनघोर जंगल में जा रहे थे तभी हमारे सामने आया एक जंगली शेर। यहाँ पे देखे ये शेर का मुंह लकड़बग्गा जैसे है, ये देख सकते हैं काफी डरावना है ये। फाइनली शेर से जान छूटी और हम लोग आगे बढ़े, और जंगल में हमें काफी खूबसूरत फूल दिखा है। यहाँ पे आसमान में गोते लगाते हुए चील दादा चलते चलते काफ़ी दूर हम लोग पहुँच चुके हैं नेशनल हाईवे में, और नेशनल हाईवे के जस्ट किनारे है ये रामकृष्ण मिशन आश्रम। इस आश्रम के अंदर है आम का वृक्ष, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं मैं और विष्णु। वाओ क्या ही प्राकृतिक नजारा है दोस्तों, एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच चुके हैं जस्ट। इसके पीछे नदी है, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत रामकृष्ण मिशन हॉल आश्रम। जाम कवरी ये हमको गिरे हुए आम मिल रहे हैं जो कि पक चुके हैं। उधर भी है देख सकते हैं मीठे मीठे आम विष्णु के हाथों में, और ये रामकृष्ण मिशन आश्रम अंदर में हमारे रामकृष्ण परमहंस जी विराजमान है। अभी गेट बंद है, उनका दर्शन आपको बाद में कराएंगे। मजा आ गया दोस्तों, एकदम सुबह सुबह घूमने का अपना ही आनंद है। चारों तरफ आम ही आम है, यहाँ पे आम के साथ जाम भी है, गुआवा। और यहाँ पे काफी बड़ा आम विष्णु के हाथ में, आम मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों आपको ऊपर में। ये देखो अगर दिख रहा होगा तो इतना है, और ये हमारे मेहनत का फल जम्बू फल दोस्तों पका हुआ। मजा आ गया, ले ले। आश्रम के कपाट खुल चुके हैं, तो आइए आप भी मेरे साथ परमहंस जी के दर्शन कर लीजिए। ओ
और यहाँ इसमें दोस्तों देख सकते हैं बेल और दूध बेल रखा है नीचे। अब खाना लगा नीले से ना खाएंगे, काट के खाएंगे ओके ना। घर में ले चाकू भी घर मत ले कहा। आम के बगीचा में आए हैं जहाँ सिर्फ आम ही आम है और यहाँ पे सिर्फ दो आम लोग हैं। नदी है दोस्तों, अमेजन के जंगल है ये। 45 दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे थे। सुबह की पहली किरण आम के साथ बादलों में ढक गए हैं सूर्य, लेकिन हल्का हल्का उसका सनलाइट आ रहा है। और हम लोग पहुंच चुके हैं वसुंधरा उद्यान पिलासा ताल। अंदर का मैं सीन बाहर से दिखाता हूं आपको। अंदर में देखो स्वागत में लगा हुआ गोरिल्ला, उसके और ये कोई डायनासोर। Reaching home to eating this mango. विष्णु गया चाकू लेने, फिर आको इसको करेगा कट, फिर इसको खाएंगे हम दोनों। आदि मानव काल का चाकू है। ये पेड़ का पका हुआ फल, इसको करूंगा मैं टेस्ट। देखो दोस्तों बिना ब्रश करे मजा आ गया, आनंद है दोस्तों।